फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 6 पीसी बिल्ड करने वाले हैं जिनका बजट 15,000 से स्टार्ट होकर 90,000 तक है। ये वाला पीसी 15,000 का है, ये 30,000 का है, ये 45,000 का है, ये 60,000 का है, ये 75 का और ये 90,000 का पीसी आपके लिए तैयार करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट अहमद हसन एंड यू आर वाचिंग डेली प्राइस आइडिया यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं इस वक्त फैसलाबाद रैक सिटी में क्लासिक कंप्यूटर शॉप पर अली भाई के साथ मौजूद हूँ और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं 6 गेमिंग पीसी। आपको बताएंगे इनकी क्या क्या प्राइजेज हैं, इनके साथ कौन सा जीपीयू, इनके अंदर कितनी हार्ड है, कितनी रैम है, कौन सा प्रोसेसर भाई ने यूज़ किया और आपको मिनिमम और मैक्सिमम ये कितने तक का मिल सकता है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि ऐसी मजीद मालूमती और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं? ठीक ठाक। अच्छा अली भाई, आप क्या करने वाले, कौन कौन से पीसी बिल्ड करेंगे आप? जी आज हम हमारे पास जो 15,000 की डिफरेंट रेंजेस हैं हमारे पास पीसी की, 6 डिफरेंट जीपीयूज हैं और 7 पीसीज हैं, ठीक है। इसमें 15,000 और इस के हिसाब से अभी 30 है, 45 है, 60 है, 75 और 90,000 की हम बिल्ड बनाएंगे, ठीक है। हमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 15,000 वाले पीसी की, ठीक है। इसमें ये कोर i5 फर्स्ट जनरेशन प्रोसेसर है इसमें लगा हुआ, ठीक है, और 4GB DDR3 रैम है इसमें, ठीक है, 250GB हार्ड है और 1GB DDR5 1.2 बिट का कार्ड लगा हुआ है, ठीक है, और इस पर ये लो प्रोफाइल मतलब के इसमें ये लो सबसे लो बजट पीसी है, ठीक है। इस पर कस्टमर किसी भी तरह के गेम खेल सकता है लो ग्राफिक्स पे, ठीक है। 720p हम इस पर हैवी गेम भी खेल सकते हैं क्योंकि इसमें NVIDIA का सबसे अच्छा कार्ड GTX 550 Ti 1GB DDR5 1.2 bit हमने लगाया हुआ है, ठीक है। 4GB DDR3 रैम है इसमें और 250GB हार्ड है। ये बजटेबल गेमिंग पीसी बनाया हमने कस्टमर के लिए। लोग लगाते हैं 1GB DDR3 64-bit रैम और कार्ड लगाते हैं, लेकिन हमने इस पर कार्ड अच्छा लगाया, ठीक है। 1GB DDR5 और 192-bit NVIDIA का 550 Ti मॉडल में लगाया, इसमें रैम लगाई 4GB और 250 क्योंकि किसी भी नॉर्मल गेम के लिए 4GB मिनिमम रिक्वायर्ड है रैम, ठीक है। 8GB भी लगा सकते हैं लेकिन हमने इसमें सिर्फ फिलहाल 4GB हमने ज़्यादा जो फोकस किया वो कार्ड पर किया, GPU पे किया हुआ है। GPU अच्छा लगा दिया, रैम 4GB कर दिया और 250 हार्ड लगा दिया, ठीक है। प्राइस क्या देंगे जी? जी मार्केट में अगर नॉर्मल प्राइस जो है ना इसकी वो तकरीबन 17,000 to 18,000 है, ठीक है। अगर हमारे आपके चैनल की तरफ से हमारे पास कोई कस्टमर हमारे पास आएगा तो हम उसको ये 15,000 में दे देंगे जी। अरे भाई, नेक्स्ट कौन सा पीसी पड़ा है ये भी बताएं आप। नेक्स्ट हमारे पास ये वर्क स्टेशन है मशीन, ठीक है। ये फॉर गेमिंग, फॉर एडिटिंग, मूवी मिक्सिंग, ठीक है, फॉर रेंडरिंग दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ होती है मशीन। बजटेबल है, ठीक है। इसकी स्पेसिफिकेशन बताता हूँ, इसमें क्वाड कोर, हेक्सा कोर दोनों प्रोसेसर लग सकते हैं, ठीक है। आप अगर क्वाड चाहते हैं क्वाड भी लग जाएगा, हेक्सा कोर भी अपग्रेड हो सकता है, ठीक है। इसमें 6 रैम स्लॉट्स हैं और इसमें सबसे जो बड़ी बात है वो 650W 80+ ब्रॉन्ज की पावर से लगी हुई है। इसके अंदर आप 1GB से लेकर 12GB तक कोई भी GPU लगा सकते हैं, ठीक है। 12GB तक कोई भी GPU, कोई भी GPU लगा सकते हैं और बहुत ही सस्ती, बहुत ही कम रेट में और लोएस्ट गेमिंग ये मशीन है, ठीक है। वर्क स्टेशन होने की वजह से जी वर्क स्टेशन होने की वजह से लोगों का कंसेप्ट ये है कि वर्क स्टेशन जो है ना वो गेमिंग नहीं करती, लेकिन लो बजट में अगर कोई कस्टमर कहता है यार मुझे मेरा बजट कम है, ठीक है, और मुझे एक अच्छा गेमिंग पीसी चाहिए जिसपे मैं सारे हर तरह के वर्क कर सकूँ, ऑफिस वर्क और हैवी वर्किंग या गेमिंग भी लाइक कर सकूँ, स्ट्रीमिंग, मूवी मिक्सिंग, जो भी आपने करना है, ठीक है, व्हाटएवर, तो वो इस पर कर सकता है, ठीक है। लिनोवो की मशीन है S20, पावर से बहुत पावरफुल मशीन है, पावर से बहुत अच्छी लगी हुई है, ठीक है। 6 रैम स्लॉट और मदरबोर्ड है इसमें, क्वाड कोर लग सकता है प्रोसेसर और हेक्सा कोर भी लग सकता है, ठीक हो गया। हम ये क्वाड कोर के साथ आपको दे देंगे और हेक्सा कोर ऑप्शनली हमारे पास मौजूद है, लगा सकते हैं कस्टमर। इसमें क्वाड W3530 प्रोसेसर होगा, ठीक है, जो कि इक्वल है कोर i7 फर्स्ट जनरेशन के, ठीक है। आप गूगल पे जाके दोनों प्रोसेसर को कंपेयर करें तो दोनों की परफॉर्मेंस, ठीक है, बिल्कुल सेम है। और इसमें हम 8GB DDR3 रैम लगा रहे हैं, ठीक है, 500GB हार्ड लगा रहे हैं और NVIDIA का 2GB GTX 750 मॉडल कार्ड लगा रहे हैं। 2GB है, DDR5 है और 128 bit, ये MSI का बहुत ही खूबसूरत कार्ड है और नई कंडीशन है, ठीक है, ओपन नहीं है, सील लगी है MSI की बैक साइड पे, सील्ड कार्ड है, बहुत अच्छी कंडीशन है, MSI का कार्ड है और बहुत अच्छा कार्ड है। 2GB का जी जी 2GB है, DDR5 है और 128 bit है। अच्छा, इस पर आप हर तरह के गेम कार्ड खेल सकते हैं। NVIDIA का कार्ड होने की वजह से आप इस पर एडिटिंग, मूवी मिक्सिंग, किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर
ठीक है, Adobe Premiere Pro, After Effects, कोई भी सॉफ्टवेयर है लाइक, वो ये रन कर सकता है। लो प्रोफाइल है फिर भी ये रन कर सकता है, आपकी हर तरह गेम ये लो सेटिंग पे चला लेगा, हैवी गेम्स जो नॉर्मल। ओवरऑल प्राइस आप क्या देंगे इस पीसी की? हम प्राइस दे रहे हैं आपको 30,000 मार्केट में, अगर ये मार्केट जो प्राइस है इसके जीपीयू की सीपीयू की, ठीक है, तो वो है 33,000, लेकिन आपके चैनल के थ्रू हमारे पास कोई कस्टमर आएगा, हम उसको ये 30,000 में दे देंगे। फुल एंड फाइनल है? जी जी फुल एंड फाइनल है, ये डिस्काउंट करके है, ठीक है, ये 5-10% डिस्काउंट करके प्राइस हम दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास बजटेबल थर्ड जनरेशन कोर i5 की मशीन है, ठीक है, बजटेबल गेमिंग पीसी है, इसमें हम ये RGB गेमिंग केस लगा रहे हैं, ठीक है, इसमें फ्रंट पे RGB बार लगा हुआ है, उसमें टॉप पे बटन लगा हुआ है, हम इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, मल्टी कलर सिंगल कलर हम चूज कर सकते हैं, साइड पे इसका ग्लास लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें हम जो बिल्ड स्पेसिफिकेशन वो ये है कि इसमें i5 थर्ड जनरेशन प्रोसेसर लगा रहे हैं, इंटेल कोर i5 थर्ड जनरेशन प्रोसेसर लगा रहे हैं, S61 MSA का गेमिंग मदरबोर्ड लगा रहे हैं, और 8GB DDR3 1600 MHz के हम इसमें रैम लगा रहे हैं, 250GB हार्ड ड्राइव लगा रहे हैं, 80GB SSD लगा रहे हैं, 500W पावर सप्लाई लगा रहे हैं, और इसमें हम AMD का 7850 मॉडल का 2GB DDR5 256 बिट का हम GPU लगा रहे हैं इसके अंदर। इसके ऊपर हम आप किसी भी किस्म के गेम्स खेल सकते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं, ऑफलाइन गेम खेल सकते हैं, ये बजटेबल गेमिंग PC है, ठीक है, ठीक है जी। इससे आगे हमारे पास जो इसकी ओवरऑल प्राइस 45 है, इसकी जो प्राइस है मार्केट में 47,000-48,000 बन रही है, ठीक है, लेकिन हम आपकी तरफ चैनल की तरफ से हम जो हमारे पास जो कस्टमर आएगा हम उसको ये 45,000 में दे देंगे, ठीक है। इसके जीपीयू की क्या प्राइस है? जी जीपीयू की प्राइस अभी जो रेट्स करंटली चल रहे हैं तो उसके हवाले से ये 18,000-20,000 इसकी प्राइस है, लेकिन इस बिल्ड के अंदर हमने इसकी जीपीयू की जो प्राइस है वो 18,000 ऐड की हुई है, ठीक है जी जी। अच्छा अली भाई, इससे थोड़ा आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो सा पीसी पड़ा है इसकी भी आप प्राइस और स्पेसिफिकेशन बताएं। जी जी, इससे आगे हमारे पास जो बिल्ड है ये कोर i5 फोर्थ जनरेशन की बिल्ड है हमारे पास, ठीक है, इसमें RGB गेमिंग केस लगाया हुआ है, ठीक है, फ्रंट पे RGB बार लगा हुआ है, साइड इसका ग्लास है, ठीक है, और इसमें हम 6 फैंस लगा सकते हैं, लग सकते हैं, ठीक है, इसमें फ्रंट पे RGB बार लगा हुआ है, नॉर्मल गेमिंग केस है, ठीक है, इसमें फैंस की 6 ऑप्शन है, 3 फ्रंट पे और 2 टॉप पे और बैक पे लग सकता है, ऑप्शन मौजूद है लेकिन इसमें लगा नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन हम कस्टमर्स को बैक साइड पे एक लगा फैन लगा के देंगे, ठीक है। और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है इसमें कोर i5 इंटेल कोर i5 फोर्थ जनरेशन प्रोसेसर लगा रहे हैं हम, ठीक है, इसमें GB का Q87 गेमिंग मदरबोर्ड 4M स्लॉट वो लगा रहे हैं हम, ठीक है, कोर i5 फोर्थ जनरेशन प्रोसेसर हो गया, कोर GB का मदरबोर्ड है, Q87 4M स्लॉट, 8GB DDR3 1600 MHz हम रैम लगा रहे हैं, 128GB SSD लगा रहे हैं, 500GB हार्ड ड्राइव लगा रहे हैं, 500W पावर सप्लाई लगा रहे हैं, ठीक है, और इसमें जो मेन सबसे जो बात है वो कार्ड है RX560, हम AMD का कार्ड लगा रहे हैं, ठीक है, RX560 4GB वेरिएंट है, DDR5 है, 128 bit है, न्यू कंडीशन का ये कार्ड है और टेम्परेचर बहुत अच्छा है इस कार्ड का। अच्छा, इसके जीपीयू की और मदरबोर्ड की प्राइस बता दें। जी जी, हम अब मैं आपको सब भी जो इसकी स्पेसिफिकेशन की वन बाय वन डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जीपीयू की, तो मार्केट में इस वक्त इस जीपीयू की प्राइस जो है वो तकरीबन 25,000-28,000 चल रही है, ठीक है, लेकिन हम इस स्पेसिफिकेशन में मैंने इस जीपीयू की प्राइस 25,000 ऐड की है, ठीक है, न्यू कंडीशन का ये कार्ड है, ठीक है, ये अब तक की सारी गेमें चला लेता है, 4GB वेरियंट है, DDR5 है और DDR12 का ये कार्ड है, लो पावर कंजप्शन है और DDR12 का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है, ठीक है जी। इसके आगे ये गेमिंग केस है, तो 6,000 में हमने ये केसिंग ऐड की, ठीक है, इस प्राइस में प्रोसेसर हमने 8500 में ऐड किया है, ठीक है, और जो मदरबोर्ड है वो 7500 में ऐड किया है, 4M स्लॉट, 2500 में 500W पावर सप्लाई ऐड किया है, 2000 में 500GB हार्ड ड्राइव ऐड किया है, 3500 में 128GB SSD ऐड किया है इसके अंदर, और ओवरऑल इसकी प्राइस, जी जी ओवरऑल इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 62-63 बन रही है, लेकिन आपके कस्टमर आपके चैनल की तरफ से हमारे पास जो कस्टमर आएगा हम इसको ये 60,000 में दे देंगे, ठीक है जी। अली भाई, नेक्स्ट जो से दो पीसी पड़े हैं हाई एंड, इनकी प्राइस बताएं आप। जी जी, इससे आगे हमारे पास ये वाइट ब्यूटी वाइट कलर का ये केसिंग है, वाइट ही इसमें हम जीपीयू लगाएंगे, वाइट ब्यूटी का ये सिस्टम है, ठीक है, ये इंटेल कोर i5 6th जनरेशन की ये बिल्ड है, ठीक है, स्पेशल मैं बताता हूँ, कोर i5 6th जनरेशन इसमें प्रोसेसर होगा, ठीक है, और ASUS B150 गेमिंग मदरबोर्ड होगा इसके अंदर, 128GB SSD है, ठीक है, 500GB हार्ड है इसमें, 500W पावर सप्लाई है, ठीक है, और ये RGB गेमिंग केस है, साइड पे ग्लास है, और सबसे जो एंड में जो सबसे जो मेन चीज़ है वो है GPU MSI का ये ड्यूल फैन OC एडिशन GTX 960 GPU लगा रहे हैं हमें, 4GB वेरियंट है, 128 bit, जी ये DDR5 वेरियंट का कार्ड है, ठीक है, और ये NVIDIA का होने वजह से इस पर आप एडिटिंग मूवी मिक्सिंग गेमिंग स्ट्रीमिंग कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। AMD में ये बात होती है कि वो जो है ना एडिटिंग मूवी मिक्सिंग जो है ना सॉफ्टवेयर वो रन नहीं करता, ठीक है, लेकिन NVIDIA में CUDA कोर होने की वजह से ये सपोर्टेड होता है, ये
आपके सॉफ्टवेयर का काम भी कर देगा, ठीक है, गेमिंग भी करेगा और सॉफ्टवेयर दोनों का काम कर देगा, ठीक है। ये बजटेबल गेमिंग पीसी है फॉर हाई एंड यूज़र्स, ठीक है। अब हम मैं आपको इसकी वन बाय वन बताता हूँ प्राइसेस चीज़ों की, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्ड की, तो ये 960 जो NVIDIA का GTX 960 जो मॉडल कार्ड है, मार्केट में इसकी कंट्री जो प्राइस है 33,000 से 35,000 चल रही है, लेकिन हम आपके इस बिल्ड के अंदर 33,000 में मैंने इसको ऐड किया हुआ है। सेकंड, इसमें जो ये गेमिंग केस जो ऐड किया हुआ है, इसकी प्राइस जो है वो 6500 ऐड की हुई है, ठीक है। और इसके बाद जो प्रोसेसर है कोर i5 6th जनरेशन का, वो 14,000 में ऐड किया हुआ है। इसमें असूस का जो गेमिंग मदरबोर्ड है B150, ठीक है, 8500 में वो ऐड किया है, ठीक है। 3500 में 128 GB SSD ऐड किया, 2000 में 500 GB हार्ड ऐड किया, 2500 में 500 वाट पावर्स पे ऐड की हुई है, ठीक है। और ये कंप्लीट पीसी आपको तकरीब जो है ना 78,000 तक ये बन रहा है प्राइस इसकी, लेकिन हम आपको आपके चैनल की तरफ से जो हमारे पास कस्टमर आएगा उसको हम ये 75,000 में दे देंगे, ठीक है। जी शुक्रिया जी, नेक्स्ट बताएं आप जी। इसके आगे जो हमारे पास सबसे आखिर में जो बिल्ड है, ये कोर i3 9th जनरेशन, उसके बिल्ड हमने ये बनाई है हाई एंड गेमिंग के लिए, लेटेस्ट जनरेशन इसमें ऐड की है हमने 9th जनरेशन, कोर i3 9th जनरेशन, न्यू प्रोसेसर होगा, ठीक है, उसमें न्यू मदरबोर्ड होगा गीगाबाइट का H310M हमने इसमें मदरबोर्ड ऐड किया है, ठीक है। और 16 GB 16 GB हमने DDR4 2600 मेगाहर्ट्ज रैम हमने इसमें ऐड की हुई है, ठीक है। 8 डाटा की न्यू रैम है इसमें। कंपोनेंट बताता हूँ, जो इसमें केसिंग न्यू होगी, ठीक है, इसमें जो SSD वो न्यू होगी, प्रोसेसर न्यू होगा, मदरबोर्ड न्यू होगा, ठीक है। यूज़ में जो चीज़ें हैं वो GPU और जो पावर है उसका ही है वो, और हार्ड, ये तीन चीज़ें यूज़ में होंगी, बाकी सब न्यू होंगी, ठीक है। और तो जो न्यू चीज़ें हैं उसकी 10 मंथ्स वारंटी होगी उसमें। प्राइस बता दें जी, उसमें वन बाय वन प्राइस बताता हूँ, ठीक है। उसमें ये होगा डिस्प्ले आउट हो गया या बर्न होगी चीज़, उसकी वारंटी नहीं होगी। अगर आपको चलने में कोई इशू है ना, जो नई चीज़ें हैं उसकी हम वारंटी आपको देंगे, ठीक है जी। अब स्पेशल मैं आपको बता दीजिए, मैं वन बाय वन इसकी प्राइसेस बताता हूँ जी। इसमें जो GPU रह गया मेन चीज़, GPU हमने इसमें जो ऐड किया है सफायर नेट्रो प्लस का RX470 हम दे रहे हैं। सफायर नेट्रो प्लस, सफायर का ये टॉप ऑफ द वेरिएंट कार्ड है, RX470 4 GB 256 bit DDR5 का ये कार्ड है, ठीक है। और अभी इस वक्त ये मार्केट में शार्ट है, इनके शार्टेज चल रही है ड्यू टू माइनिंग की वजह से, लेकिन ये हम आपको कस्टमर को ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ये देंगे कार्ड, तो बहुत अच्छा कार्ड है फॉर गेमिंग, आपके हाथ रहेंगे हाई सेटिंग पे चल देंगे इसके ऊपर। अब वन बाय वन इसकी प्राइसेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल GPU की बात करते हैं, तो इस वक्त मार्केट में जो करंटली इस GPU की प्राइस चल रही है जो वो 35,000 से 40,000 चल रही है, ठीक है। और इस बिल्ड के अंदर हम मैंने इस कार्ड की जो प्राइस है 35,000 ऐड किया, ठीक है। उसके बाद सेकेंडली ये जो RGB गेमिंग केस है, तो इसकी जो मार्केट प्राइस है वो 10,000 से 11,000 है, ठीक है। तो इसको मैंने 10,000 में ऐड किया। इसमें फ्रंट पे 4 RGB फैंस लगे हुए हैं, एक बैक पे लगा हुआ, 4 तकरीबन इसमें फैंस लगे हुए हैं, 3 फ्रंट पे हैं और एक बैक पे, टोटल 4 इसमें RGB फैंस लगे हुए हैं। टॉप पे 2 फैंस और लग सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो 10,000 के गेमिंग केस हो गया, इसके बाद बात करते हैं प्रोसेसर की। कोर i3 9th जनरेशन का 9100F प्रोसेसर मैंने ऐड किया, तो मार्केट में जो उसकी करंटली प्राइस है वो 15,000 से 16,000 है, ठीक है। 15,000 में मैंने वो प्रोसेसर ऐड किया इसके अंदर, ठीक है। और गीगाबाइट का H310M मदरबोर्ड न्यू ऐड किया, जो मार्केट में उसके 12,000 से 13,000 प्राइस है, वो 12,000 में वो मदरबोर्ड ऐड किया है, ठीक है। 16 GB DDR4 8 डाटा की रैम ऐड की है, 2600 MHz, ठीक हो गया, वो ऐड किया है। उसकी रैम की प्राइस 12,000 ऐड की है, ठीक है। 128 GB SSD इसमें ऐड की है, ठीक है, 3500 की, और 2000 की 500 GB हार्ड ऐड किया है, और इसके अंदर 600 वाट गेमिंग पावर्स पर ही ऐड किया है, जिसकी प्राइस हमने 3000 ऐड किया इसके अंदर। जी जी मतलब ओवरऑल बजट के जी जी ओवरऑल इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 92-93 प्राइस बन रही है इसकी प्राइस, लेकिन आपके चैनल की तरफ से जो हमारे पास कस्टमर आएगा उसको ये हम 90,000 में दे देंगे। अच्छा, ओवरऑल पाकिस्तान में डिलीवरी का क्या तरीका कार है? जी जी, ओवरऑल पाकिस्तान में हम डिलीवरी करते हैं, ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं डेवोट को, डेवो का एक्सपेंस कम है, ठीक है। वो ज़्यादातर जो है ना पूरे पाकिस्तान में डेवो बस सर्विस चलती है, जो डेवो के चार्जेस सबसे कम है, ठीक है। जो लेपर्ड MNP या TCS जो चार्ज के चार्जेस वो बहुत ज़्यादा लेती है, जो कस्टमर अफोर्ड नहीं करता, ठीक है, और वो टाइम भी ज़्यादा लेती है। डेवो मतलब के ना सबसे जो अच्छी और फास्ट सर्विस है वो डेवो बस सर्विस है, उसके जरिए हम इसको डिलीवर करेंगे। दूर दराज इलाकों में जो लोकली है हम उसको मतलब के लोग नॉर्मली जो है कुरियर ऑफिस MNP या डेपर्ड हो गया इनसे हम सेंड करेंगे जी। अच्छा, फैसलाबाद में आप क्या वारंटी देंगे, और आउट ऑफ सिटी अगर आपसे कोई मंगवाता है तो फिर क्या वारंटी देंगे? जी जी, फैसलाबाद में हम इसको लोकल कस्टमर को 15 डेज़ की वारंटी देंगे, और जो आउट ऑफ सिटी से हमारे पास जो कस्टमर आएगा उसको 1 मंथ की वारंटी देंगे। इसमें
पीसी की 1 मंथ वारंटी होगी, लेकिन जो जीपीयू है उसकी 7 डेज वारंटी होगी, क्योंकि कस्टमर जो होता है वो जीपीयू पे टेस्टिंग वर्किंग करना शुरू करता है बहुत ज़्यादा करता है, जिस वजह से जीपीयू ख़राब होते हैं। ठीक है, कोशिश की जाएगा किसी भी जीपीयू को चेक जो करना है वो अच्छा जो मेथड है ना वो उसको गेमिंग पे टेस्ट करे। कस्टमर क्या करता है, जीपीयू को सॉफ्टवेयर पे लगा देता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर पे इसकी लाइफ कम हो जाती है, इसकी जो पेस्ट है वो सूख जाती है, पैड्स वीक हो जाते हैं, तो जो कि कस्टमर को नहीं पता लगता, वो कहता है जी कस्टमर ये समझता है कि वारंटी है तो लिहाजा हम इसको जो है रिटर्न करके चेंज करवा लेंगे, तो इस सोर्स की वजह से कस्टमर जो है ना इसको टेस्टिंग करता है। तो कस्टमर से ये रिक्वेस्ट है कि इस कार्ड को गेमिंग पे टेस्ट करें, ठीक है, उसमें हम कार्ड की जो है ना वारंटी में बताता हूँ, वारंटी किस चीज़ देते हैं, वारंटी देते हैं इसकी FPS की, टेम्परेचर की, ठीक है, और ड्राइवर्स नॉट है इस चीज़ की, अगर कार्ड बर्न हो गया जल्द ही डिस्प्ले आउट हो जाए कार्ड इस चीज़ की वारंटी नहीं देते। ठीक है जी, जी ठीक है सर जी। फ्रेंड्स आपने देखा अली भाई के पास डिफरेंट कंप्यूटर से जो कि 10,000 से 15,000 से स्टार्ट होकर 90,000 तक जाते हैं, उन्होंने इसकी प्राइस बताई, स्पेसिफिकेशन बताई, अगर आपको प्राइस अच्छी लगती है और आप इनसे बाय करना चाहते हैं तो मैं इनका व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अगर किसी भाई को पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन डिलीवरी चाहिए तब भी अवेलेबल है, तब तक के लिए मुझे तो इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।